ये मानना है कि सरकार बिल्कुल जागी हुई है और सरकार का जो एक इमेजिनेशन, जो संघ का एक जो इनका इमेजिनेशन है एक हिंदू राष्ट्र का, उसको बनाने में एकदम बेतोड़ मेहनत कर रही है, एकदम लगी हुई है और उसी को बनाने के तहत वो ये सब काम में लगी हुई है। और हम, हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई सिर्फ नजीब को लेके या सिर्फ तबरेज़ को लेके नहीं है, हमारी लड़ाई है कि हम इस देश में संविधान को मारते हैं, इनके मनुस्मृति को नहीं, और हम लोग ये कभी नहीं मानेंगे और इनके जो ये जो इनकी मंशा है उसको हम पूरा नहीं होने देंगे। हम सरकार को सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, चेतावनी भी नहीं कहेंगे, हम एक अपील करना चाहेंगे, अमित शाह से भी करना चाहेंगे, मोदी जी से भी करना चाहेंगे कि देखिए इस देश में जो भी नागरिक है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो आदिवासी है, चाहे महिलाएँ हैं, हम सब चाहते हैं कि जो जिस तरीके से एक आज़ादी का एक स्ट्रगल हुआ था इस देश में ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और उसके बाद एक संविधान आया था, उस संविधान के तहत हमारी जो हक है, बस हम उतने हक आप इंश्योर करें कि वो हमें मिले, उससे ज़्यादा हमारी कोई मांग नहीं है, हम कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं आपसे, बस जितना हमारे संविधान ने हमें दिया है बस उतनी ही मांग। इतना प्रदर्शन हो रहा, उतनी दिन हो गए, फिर भी पुलिस प्रशासन क्यों नहीं काम कर रहा है इसमें? ये तो आप मोदी जी सवाल करोगे ना, मैं तो उसका जवाब नहीं दूंगी। मेरा काम है प्रदर्शन करना, लोगों के साथ खड़े होना, बताना कि मेरे साथ इतने लोग मौजूद हैं। ये सवाल तो पुलिस से होना चाहिए, मोदी जी से होना चाहिए, अमित शाह से होना चाहिए, जवाब तो वो देंगे ना, मैं तो नहीं दूंगी। क्यों नहीं कर रही है? अगर अब भी प्रशासन अपना काम नहीं करता तो आगे आप क्या करेंगे? मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो आंदोलन ही कर रही हूँ, आंदोलन ही कर सकती हूँ, और क्या करूँगी? मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, काश कि मेरे हाथ में होता, मैं कब पर नजीब को घूम चुकी होती। लोग सड़क पे उतरने से पहले 3 बार सोचते हैं कि क्या होगा, कहीं कुछ कहीं डिटेंशन ना हमें ना चले जाएं, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं पुलिस कुछ कर ना दे। और घर वाले भी सबके एक दूसरे के बार बार पूछते हैं कि तुम जा रहे हो तो संभल के जाना। 5-6 बारी ये बातें बोली जाती हैं कि कुछ मतलब ऐसी बात ना बोल देना जिससे लोग, जिससे कोई तुम्हें प्रशासन जो है या पुलिस वाले जो हैं वो तुम्हें अंदर कर दे। तो जो डर जो बना हुआ है, वो डर जो है वो हमारे इस प्रोटेस्ट को, इस क्वेश्चन पूछने का जो कल्चर है उसको रोक कर रख रहा है। और वो एक रीज़न है कि हम कई बार देखते हैं कि लोग खुलकर सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, लोग खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं, लोग खुलकर पूछ नहीं पा रहे हैं कि हमारे सवालों के जवाब दो। बहुत सिंपल सी बात है, देखिए कोई बड़ी मांग नहीं है, एक माँ बस इतना पूछना चाह रही है कि मेरा बेटा कहाँ है, और इसमें कोई वर्ल्ड पॉलिटिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात पूछी जा रही है। उसका जवाब भी अगर हमें मिल नहीं पाएगा तो हम क्या ही उम्मीद रख सकते हैं प्रशासन से। बहुत साफ़ है जिस तरीके से रवैया रहा है दिल्ली पुलिस का, SIT का, CBI का, शुरू से ही उससे पता चल रहा था कि प्रेशर बहुत ऊपर से आ रहा है। और नहीं तो ऐसे मतलब बेशर्मी से जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो जो अक्यूज है उनके फ़ोन अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए वो एविडेंस नहीं दे पा रहे हैं, वो पता चल रहा है कि प्रेशर कहीं और से है। पर उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है, उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल होने वाली है नवंबर के महीने में, और हम लोग सब साथ में खड़े रहेंगे अम्मी के। और इस चीज़ को अगर हमें सुप्रीम कोर्ट तक भी लेके जाना पड़े हम ज़रूर लेके जाएंगे। सरकार पर प्रश्न चिन्ह, जिस तरीके से इन्होंने 4 महीने तक कोई स्निफर डॉग नहीं भेजे, 4 महीनों के बाद ये स्निफर डॉग भेजते हैं, 4 महीनों के बाद ये लोग कॉल एनालिसिस करते हैं, उससे इन पूरा साफ पता चलता है कि किस तरीके से इन्होंने इस केस को डिले करने की कोशिश की है और किस तरीके से ये एक मैसेज पहुंचाना चाहते थे नजीब को गायब करने के ज़रिए पूरे सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। और जो कम्युनिटीज़ है, माइनॉरिटी कम्युनिटी हमारे देश में, मुसलमान हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, उनको एक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि देखिए अगर आप अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, अगर आप नागरिक होने के जो हक है उन पर अपनी
उन पे अपने उन राइट्स के लिए डिमांड आप प्लेस करेंगे तो आपको अपनी जगह दिखाई जाएगी, आपका इस्टेब्लिश किया जाएगा कि आप इस देश में सेकेंड क्लास सिटीजन से ज़्यादा कुछ नहीं है। पर हम इसी मैसेज को खारिज करने के लिए आज यहाँ पे प्रोटेस्ट में इकट्ठा हुए हैं और आगे भी हर ऐसी पॉलिसी को, चाहे वो NRC हो, चाहे जिस तरीके से लिंचिंग को ट्रीट किया जा रहा है और लिंचिंग के इर्द गिर्द जिस तरीके से डाइल्यूशन होते हैं केसेस के, हम हर उस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। सवाल भी उठाना चाहिए कि उस आम जनता में भी जो पिछड़े तबके के लोग आते हैं वो कितने सुरक्षित हैं और उनकी सुरक्षा इंश्योर करने के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि एक डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि जो पिछड़े तबकों से आते हैं, जो ऑप्रेस बैकग्राउंड से आते हैं, उनका हमें, उनकी कदर हमें करनी चाहिए, उनके लिए उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था हमें और ज़ोर शोर से करनी चाहिए, क्योंकि वो एक माइनॉरिटी स्टेटस में बिलोंग करते हैं इस देश में और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज सिटीजन्स कि हमें उनकी सिक्योरिटी ज़्यादा तरीके से इंश्योर करनी चाहिए, जिसका बिल्कुल विपरीत हो रहा है आज देश में और उसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। इंसाफ मिलेगा इसी होप में हम बार बार यहाँ पे आते रहते हैं। जो अम्मी हैं नजीब की, वो भी बार बार ये याद दिलाती रहती हैं। कल भी उन्होंने याद दिलाया, अमित शाह जी को हम बार बार याद दिलाते हैं, होम मिनिस्ट्री को पहले भी याद दिलाते थे कि ये एक ऐसा मामला है जिससे एक आम आदमी जुड़ पाता है। एक माँ है जो अपने बेटे की उम्मीद में है, तो जानना चाहती है कि वो कहाँ है, कैसा है। और अगर इस बात को भी हम सहनशीलता से नहीं समझ पाते, इस बात को भी हम अगर संवेदनशीलता से नहीं समझ पा रहे हैं कि जवाब तो दे दें, एक बात तो बोलें तो कि हम पूरी कोशिश करेंगे, अगर होम मिनिस्ट्री से कोई बात भी आए, जवाब भी आए, प्रधानमंत्री एक बार बोल दें कि मैं एक बार कोशिश करूँगा, ध्यान से देखूँगा, परखूँगा कि केस कहाँ है, CBI केस बंद कर देती है। अगर ये चीज़ें हम जैसे आसपास देखे आ रहे हैं, उसमें एक डिज़ाइन समझ आता है कि ये डिज़ाइन है डरा के रखने का और हमें गुमराह करते रहने का, और हमें बस इसी उम्मीद में संघर्ष करते रहना है कि जस्टिस तो हम लेकर ही रहेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।